चीन को जिस भाषा में वो समझना चाहे उसी भाषा में उसको जवाब मिलना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, और हमारे सैनिक, हमारी सेनाएं बहुत सक्षम है, बहुत इस उसमें पूरे निपुण है, और वो बहुत अच्छा जवाब उनको दे भी रहे हैं वहाँ पे। वो अगर वो पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं तो वो भूल में है उस चीज़ को। चाइना को भी कल ही पता लग गया होगा, जो लद्दाख में उसने जो हरकत करी है उसको कल ही पता लग गया होगा कि भारत की क्या ताकत है। उसके बारे में हमारा रक्षा मंत्रालय सोचेगा, हमारे सैनिक सोचेंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना लोगों से ज़रूर अपील करूँगी कि जो हम सभी कर सकते हैं, चीन का बना हुआ कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, कोई भी उपकरण हो, उसका हमें पूर्ण जोर विरोध करना चाहिए, ताकि उसके आर्थिकी से उसकी कमर टूटे, और जो हम जिस सामान को उसके खरीदते हैं उस हमारे ही पैसों के खरीदे हुए सामान से वो अपनी सैन्य ताकतें मजबूत करता है, उसके लिए चीन की कमर टूटनी चाहिए। और मेरी पूरे देश की जनता से, अपने प्रदेश की जनता से, अपने शहर की जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि चीन की बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल आज से ही, अभी से ही काफ़ी उसमें परिवर्तन भी हुआ, काफ़ी चेंज भी आए हैं। हम स्वावलंबी भी बनना है हमको, हमने अपने स्वदेशी चीज़ें भी अपनानी हैं, और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो पूरी तरह से चाइनीज चीज़ें जितनी भी हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। मान लो अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो हम उसके लिए हमको इतना तैयार रहना चाहिए कि हम कुछ समय तक उसके बिना रह लें, लेकिन चीनी बनी हुई कोई भी वस्तु हम ना खरीदें, यही मेरा आग्रह है। मुंह तोड़ जवाब उसको निश्चित तौर पर हमारी सेना देगी, उसके सभी हमको खबर मिल जाएगी कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पुनः मैं उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। धन्यवाद।